हे फ्रेंड्स, राजेश हियर। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपके फ़ोन आप कनेक्ट करते हैं पीसी के साथ, आपको डिवाइस नॉट कनेक्टेड का इशू देखने को मिलता है। अगर आप फ़ोन को अनलॉक कर रहे हैं या कोई ADB डिवाइस की कमांड रन कर रहे हैं तो भी आपका फ़ोन कनेक्टेड शो नहीं करता है, या फास्टबूट कमांड्स आप रन नहीं कर पा रहे हैं, तो काफ़ी सारे लोगों को ड्राइवर्स के इशू आते हैं कि उनको कैसे फिक्स करें। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो है आप उन सभी को फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम जब फ़ोन का बूटर आप अनलॉक कर रहे होते हैं तो आपका डिवाइस जो है कनेक्टेड शो नहीं करता है, आप फ़ोन को रूट कर रहे होते हैं तो फास्टबूट डिवाइस कमांड रन नहीं करती हैं, इवन ADB की भी डिवाइस रन नहीं करती हैं। तो उन सब चीज़ों को कैसे फिक्स करेंगे वो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज आपको ये प्रॉब्लम फिर से देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो में हमें आपको Xiaomi के फ़ोन के अंदर करके बताऊंगा, और अब PC आपको जरूरत पड़ती है, आपको पता है ADB और फास्टबूट डिवाइस कमांड रन करने के लिए। सभी फाइलें मैं आपको बताऊंगा कहां से आपने डाउनलोड करनी है और कैसे यूज़ करना है, और इन प्रॉब्लम्स को आप कैसे फिक्स करें। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल के सपोर्ट एंड मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको अपने फ़ोन के अंदर जो है USB डिबगिंग मोड को इनेबल कर लेना है। Xiaomi के फ़ोन्स के अंदर आप अबाउट फ़ोन में जाते हैं, MIUI वर्जन पर टैप करते हैं 8 से 9 बार, उसके बाद जो है आपको एडिशनल सेटिंग्स में आपको डेवलपर ऑप्शंस देखने को मिलता है, जहां से आप उसको इनेबल कर पाएंगे। देखिए डेवलपर ऑप्शन को इनेबल कर लीजिए, और उसके बाद नीचे USB डिबगिंग मोड को भी आपने इनेबल कर लेना है। तो इस तरीके से तो आपने फ़ोन को अपने USB डिबगिंग मोड से इनेबल कर लिया। अब फ़ोन को आप कनेक्ट कर दीजिए ताकि हमारा फ़ोन हम चेक करें कि हमारा फ़ोन जो सभी ड्राइवर्स को एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है। तो अब हम चलते हैं PC के ऊपर। तो ये देखिए हम PC के ऊपर आ चुके हैं। सबसे पहले चाहिए आपको ये ADB ड्राइवर्स, इसका लिंक आपको जो है हमारे ब्लॉग पर देखने को मिल जाएगा। ये वो साइट है, यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे आपको नीचे एक लिंक देखने को मिलेगा ADB एंड फास्टबूट ड्राइवर सेटअप फाइल। आप या तो इस लिंक को यूज़ कर लीजिए या फिर गूगल ड्राइव के, उसके बाद जो है ये फाइल आपके PC में सेव हो जाएगी। इसको डबल क्लिक कीजिए, यस कीजिए। यस करने के बाद यहाँ वाई लिखते जाएंगे और एंटर करते जाएंगे ताकि सभी ड्राइवर जो है आपके PC या लैपटॉप में एक बार अपडेट हो जाए। इसको नेक्स्ट कर देंगे और फिनिश कर देंगे, ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। उसके बाद चाहिए आपको ये प्लेटफॉर्म टूल्स का ज़िप का फोल्डर, इसका लिंक भी आपको हमारी साइट पर देखने को मिल जाएगा। माय साइट पर जाइए, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, वहाँ पे आपको थोड़ा नीचे जाना है, यहाँ पे आपको ये डाउनलोड द ADB ज़िप फाइल, इसको डाउनलोड करना है जो कि प्लेटफॉर्म टूल्स का फोल्डर है। इसको आप अनजिप कर लेंगे, अनजिप करने के बाद जो है आपको कुछ इस तरीके का फोल्डर यहाँ पे देखने को मिलेगा जिसके थ्रू आप कमांड्स को रन करते हैं। उसके बाद आपने ये थर्ड फाइल है, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, इसको डबल क्लिक करेंगे। इसको आप एक बार अपने PC के अंदर इंस्टॉल कर लेंगे। क्या करता है कि कोई ड्राइवर आपके PC के अंदर मिसिंग है, अगर विंडो 7, विंडो 8 या विंडो 10 आप यूज़ कर रहे हैं तो उनको ये फिक्स कर देता है, और ADB ड्राइवर जो है परफेक्ट तरीके से काम करना स्टार्ट कर देते हैं। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ये देखिए सेटअप फाइल आती है, नेक्स्ट कीजिए, इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद देखिए सभी ड्राइवर्स को चेक किया, और एक बार इसको रन पे क्लिक करके फिनिश करके एक बार आपने इसको रन कर देना है। बस आपने रन करना है, रन करने के बाद एक बार बंद कर देना है, क्योंकि रन करते टाइम पे भी ये कुछ ऐप ड्राइवर्स को इंस्टॉल करेगा। एग्री कीजिए, ये लोडिंग करेगा, जो ड्राइवर्स मिसिंग है उनको सर्च करेगा। देखिए जिसकी ड्राइवर जो है सर्च कर रहा है, ये सभी ड्राइवर्स को ये सर्च करेगा, और उसके बाद जो है आपके PC के अंदर इनको इंस्टॉल कर देगा। जैसे ही कंप्लीट हो जाता है अब इसको आप बंद कर। तो मोस्टली सारी चीज़ें हमने इंस्टॉल कर ली हैं। उसके बाद क्या है, आप अपने PC में जाइए और डिवाइस मैनेजर पर सर्च कीजिए। डिवाइस मैनेजर में आपको फ़ोन देखने को मिलेगा, ये देखिए जैसे कि हमारे फ़ोन में यहाँ पे आपको ये दिखा रहा है एंड्रॉइड कंपोजिटिव ADB इंटरफेस, और ये येलो कलर का मार्क है, यानी कि फ़ोन हमारा कनेक्टेड नहीं है ठीक तरीके से। तो आप इस पर क्लिक करेंगे, अपडेट ड्राइवर करेंगे, ब्राउज माई कंप्यूटर, लेट मी पिक, उसके बाद ये कुछ ड्राइवर्स को यहाँ पर सर्च करेगा। आपने क्या करना है, यहाँ से एंड्रॉइड ADB इंटरफेस जो भी आपको ड्राइवर देखने को मिलता है उसको नेक्स्ट कीजिए और यस कर दीजिए। ये इनको इंस्टॉल करेगा ताकि जो है ठीक तरीके से इंस्टॉल हो जाए। तो ये देखिए ठीक तरीके से इंस्टॉल हो गए, क्योंकि एंड्रॉइड ADB इंटरफेस पे लाना आपको ज़रूरी है। अगर ये काम नहीं करता है तो आप किसी और को भी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो ये देखिए अब जो है यहाँ पे हमारा फ़ोन जो है एक तरीके से ठीक तरीके से अब ये कनेक्ट हो चुका होगा। अब हम प्लेटफॉर्म टूल्स पर चलते हैं और CMD कमांड पे एक बार हम कमांड को रन करके देखेंगे। CMD पे ADB डिवाइसेस पे ये देखिए हम रन करते हैं, और ये देखिए अब ADB डिवाइसेस कमांड रन करने के बाद यहाँ पे आ गया है लिस्ट ऑफ डिवाइसेस अटैच्ड। तो यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर आ गया है, यानी कि हमारा फ़ोन कनेक्टेड है। अब फ़ोन को रीबूट करके देखते हैं। ADB रीबूट बूट लोडर, जिससे हमारा फ़ोन जो है फास्ट बूट मोड पर बूट करेगा। तो ये देखिए फ़ोन जो हमारा कनेक्टेड था ADB के ऊपर, तो यानी कि ADB की तो कमांड हमारी रन कर गई, और हमने अपने फ़ोन को फास्ट बूट मोड पे लेके आया। तो ये देखिए फास्ट बूट मोड के ऊपर भी अब हमारा फ़ोन जो है बूट करेगा, और ये फास्ट बूट मोड पे आ गया है।
कभी भी आपको यहाँ पे ये कमांड्स यहाँ पे देखने को नहीं मिलती हैं, डिवाइसेस के नाम देखने को नहीं मिलते हैं, तो सिंपली आपने जो है डिवाइस मैनेजर में जाके चेक करना है। जैसे कि देख पा रहे होंगे अभी जो है बूट लोडर इंटरफेस आ गया है यहाँ पे कि हमारा फोन जो है बूट लोडर पे है और यहाँ पे कोई भी हमें येलो कलर का मार्क देखने को नहीं मिला, यानी फोन हमारा ऑलरेडी ठीक तरीके से कनेक्टेड है। यहाँ पे ऐसा मार्क नहीं आता है कि येलो कलर का मार्क देखने को मिलता है या फोन के अंदर कोई अदर डिवाइस का नाम देखने को मिलता है। तो अपडेट ड्राइवर में जाइए, ब्राउज माई कंप्यूटर, लेट मी पिक, उसके बाद जो है ADB बूट लोडर इंटरफेस जो होता है उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। इस तरीके से जो है आप इन ड्राइवर्स के एरर को फिक्स करेंगे। अब देखिए हम फास्ट बूट चेक करते हैं, फास्ट बूट डिवाइसेस। तो ये देखिए फास्ट बूट में भी हमारी कमांड रन कर गई है और फास्ट बूट रीबूट से हम फोन को रीबूट करते हैं, ताकि मैं आपको दिखा दूं फोन हमारा कनेक्टेड था। तो ये देखिए फास्ट बूट रीबूट कमांड भी हमारी चल गई है, हमारी ADB कमांड भी रन गई है और फास्ट बूट कमांड्स भी रन करी हैं और फोन हमारा जो है फिर से हमने बूट लोडर मोड से इसको नॉर्मल मोड पे बूट कर लिया है। तो इन मेथड को फॉलो करके जो आपके जो ड्राइवर के इशू आपको देखने को मिल रहे हैं उनको आप फिक्स कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल के सपोर्ट एंड मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।